इन शेल में, में भी खुश था अभी बाहर में आ आगे होना अब दम हो। ये के सामने कुछ भी नहीं है और शेर और जरदारी दोनों का कोई अता पता नहीं चलेगा आप लोगों को ये कौम कभी भी इमरान खान को और तारीख इंसाफ को मायूस नहीं करेगी जेल में मैं बड़ा खुश हूँ ये लोग तो बड़े हो, समझते होंगे समझते थे कि ये तीन दिन भी नहीं निकालेगा इन शौम की खातिर मैं तीन साल भी निकालूंगा बड़ी भी ख्वाहिश थी कि वो खान बाहर हूँ मैं अंदर हूँ मगर अभी खान में और मुझ में फ़र्क तो है आसिफ अली जरदारी किस तरह की एक एक वक्त आएगा कि प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेगा ना अस्सलाम असलम मैं हूँ तबसम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं ओसाफ डिजिटल आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ मैं समझता हूँ के पूरे पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा मकबूल लीडर है आज मैं उनके साथ बैठा हूं पाकिस्तान की शान है आप पाकिस्तान की आन है आप पाकिस्तान की जान है आप सबक वजीरम पाकिस्तान इमरान खान है आप असलामैक वालेकुमान साहब क्या हाल ठीक है खेर खीरियत से हैं। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ खान साहब आपको तो जेल में रखा था आप तो बाहर आ गए इन शा में जेल में भी खुश था अब भी बाहर में आ गया होना अब दम दम मस्त कलंदर होगा दम दम मस्त कलंदर होगा तो बाहर तो आसिफ अली जरदारी भी है बाहर तो शेर वाले भी हैं ये बल्ले के सामने कुछ भी नहीं है बल्ले के सामने कुछ भी नहीं बल्ले के सामने कुछ नहीं है ना इन श्ला रानझा साहब आप एक बात याद रखें कि आठ फरवरी को बल्ले के ऊपर ही मोर ही मोर होगी तो उस दिन बल्ला व शेर और जरदारी दोनों का कोई अता पता नहीं चलेगा आप लोगों को और न कौम को और मुझे पूरी कौम पर यह फ़खर है कि मैं चाहे जेल में होता या चाहे मैं अब बार आ गया हूं इन शजल करम से ये कौम कभी भी इमरान खान को और तारीख़ इंसाफ़ को मायूस नहीं करेगी नहीं करेगी तो इमरान खान साहब मुझे ये बताएँ कि आपके साथ तो शाह महमूद क्रेशी साहब भी मौजूद है उनका बताएं उनके हालचाल कैसे हैं कोई डीलिंग में आने तो नहीं लगे नहीं इन जो डील वाले थे वो तो चले गए ना वो तो पहले ही हफ्ते में सब इधर उधर हो गया ना मगर जो अभी तक मेरे साथ शाह तो शाह साहेब खड़े हैं ना मुझे शाह साहेब पर फ़ख्र है कि वह अभी तक उसने जेल की ये जो सबतें वो आ, अच्छी तरह से बर्दाश्त किया ना कहीं वो डरा वरा नहीं है ना और मुझे पूरा यकीन है कि क्रेशी साहेब मेरे साथ आखिर दम तक होंगे तो खाते क्या है जेल के अंदर पीते क्या है और गाते शाते भी होंगे फिर जहरी सी बात आप तो सारा दिन बैठना होता है तो क्या क्या करते मैं खैर गाता वाता तो नहीं हूँ तो मैं मेरी पहली भी वो थी ना इतना वो नहीं ना जो भी सामने आ जाए ना कहा जाता हूँ ना खाता हूँ ना अंदा तो नहीं खा जाते कभी कभार तो दिल चाहता है ना कि जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं ना वो तो, चा, तो चा, वो वो तो चाहता हूँ कि मैं उसको कहा जाऊँ ना मगर जेल में मैं बड़ा खुश हूँ ये लोग तो बड़े वो समझते होंगे समझते थे कि ये तीन दिन भी नहीं निकालेगा इन शौम की खातिर मैं तीन साल भी निकालूंगा बड़ी खुशी से बड़ी खुशी से निकालेंगे तो मुझे ये बताएं कि आपका असली नाम क्या है मेरा नाम नूर मोहम्मद है तो नूर मोहम्मद साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर कब से हैं और इमरान खान साहब से आप कितनी बार मिले? मैं तारीख इंसाफ में उस वक्त से हूँ जब ये तारीख इंसाफ अभी बनी ही नहीं थी ना जब ये बन रही थी ना मैं उस वक्त छोटा था तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि खान साहब से मैं मिलो और फंड रेजिंग के सिर से मैं खान से मिला हूँ राहुलपिंडी मेडिकल कॉलेज का एक वो था ना ग्रुप था तो उन्होंने ये पल कंटिनटल में उसने किया था ना उसके लिए प्रोग्राम तो उसमें वहाँ पर मैं इनसे मिला हूँ तो मेरी दिली, दिल वो दिल की ख्वाहिश ये थी कि पा, पाकिस्तान इमरान खान सियासत में आए और अपनी पार्टी का नाम जस्ट पा, जस्टस पार्टी ऑफ पाकिस्तान रखें तो वो मेरी ख्वाहिश थी पूरी हो गई कि वो उसमें आ गया है ना अपना सियासत में मगर उसने जस्टिस के बजाय तहरीक इंसाफ़ का नाम रखा तो मुझे उस पर भी बहुत बड़ी खुशी है ना और उसके बाद खान से वगैरह में मिलता रहता हूँ ना जिस वक्त अब जब से वज़ी अजम बने उस के बाद खैर मैं नहीं मिला हूँ मगर उससे पहले हमारा इधर वो था ऑफिस जी सिक्स में वहाँ पर तो रोज़ हमारी मुलाकात होती थी ना तो मुझे ये बताएँ कि अब क्योंकि खान साहब जेल के अंदर हैं आप बाहर घूम फिर रहे हैं तो लोग आपको ये नहीं कहते कि आप जेल में चले जाएँ और खान साहब को बाहर लें लोगों की तो बहुत या मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि वो ख़ान बाहर हों मैं अंदर हूँ मगर अभी ख़ान में और मुझ में फ़र्क तो है और लोगों की लोग मुझे देखे तो वो जो खान साहब की जो प्यार मोहब्बत है ना वो मुझे मिल रहा है ना साथ साथ में और लोगों की बहुत ज़्यादा तो खान साहब से तो मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए या मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो एम क्यू एम की बात की जाए या पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है उनकी बात की जाए तो ये सारे के सारे अब इकट्ठे हो कि आपस में सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि बल्ले का या तो कोई कैंडिडेट खड़े ही ना होने दें और अगर खड़ा हो तो वहां हमारे सारे मिला के एक कैंडिडेट आ जाए उस बारे में क्या कहेंगे आपको क्या लगता है कि अगले इस इलेक्शन में क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीतेगी भाई बात यह है ना ये सब पाकिस्तानियों को मैं बता रहा हूँ ना जितनी भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं ना सबको मैं ये बात बड़े वसूख के जरिए उसे बता रहा हूँ ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो जाए ना तो ख़ान साहब स्वीप कर जाएगा ना पूरे पाकिस्तान में और अल्लाह करे कि ये फ्री एंड फेयर हो जाए ये कौम की और मुल्क की वो है ना इसमें भलाई है कि फ्री एंड फेयर हो बाकी पाकिस्तान में तो हर चीज़ मुमकिन है पाकिस्तान में तो आसिफ अली जरदारी किसने कहा कि ये एक, एक वक्त आएगा कि ये प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेगा ना और वो भी बन गया है ना जब आसिफ अली जरदारी प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है ना तो यहाँ पर हर चीज़ मुमकिन है नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है ना तो मुझे ये बताएं कि आपको भी कभी गिरफ़्तार करने की किसी ने कोशिश की आए आपके घर छापे 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 वापे तो खैर नहीं पड़े ना क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं है ना और उन दिनों में जिस वक्त ये नौ मेंई होता है ना तो उससे तकरीबन पंद्रह बीस दिन पहले मैं मुझे कमर का मसला हुआ था ना तो मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकला हूँ ना और पार्टी वालों को भी पता है ना कि इसको मसला था ना तो इसलिए मैं बाहर नहीं आना वैसे तो मैं आ, अपनी पार्टी के हर इवेंट में मैं जाता रहता हूँ ना हर कोई भी इवेंट मैंने मिस नहीं किया ना और धरना जो है धरना एक दिन का धरना हुआ ना एक दिन के धरने में मैं तकरीबन एक सो दिन धरने में मैं गया हूँ ना 116 सो दिन आप धरने में रहे तो मुझे ये बताएं कि जब आप सबसे पहली बार खान साहब से मिले तो खान साहब ने आपको क्या कहा और उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी फ़ोटो है खान साहब थोड़ा सा शाक तो हो गया ना कि पता नहीं ये कहाँ से निकला है ना है। <laughs> तो बहर ख़ान जो है खान को जो अगर आप करीब से देखें ना खान बहुत तो मलंग टाइप का बंदा है बहुत तो मलंग टाइप का बंदा है ना वो इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं ना कि भाई बस उसको सिर्फ काम से गर्ज है काम काम और काम तो मुझे ये बताएं कि आपके क्योंकि बिल्कुल बहू आप इमरान खान की तरह हैं तो मुझे ये बताएं आपकी इस वजह से आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ पसंद थी क्योंकि लोग कुछ अरसे बाद छोड़ देते हैं पार्टी तो मुझे ये बताएं कि क्या आपने इस वजह से पाकिस्तान तरीके ज्वाइन किया या आपको वैसे ही है कि यह सचा और खरा लीडर नहीं मैं तो शुरू से जिस वक्त तो ख़ान साहब क्रिकेट खेलते थे ना तो उस वक्त से मैं खान साहब को पसंद करता था, था ना उस वक्त से फिर मैंने आपको बताया कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये सियासत में आए ना और और उस वक्त से मैं इसके साथ सियासत में भी आया हूँ ना हालांकि मेरी सियासत इतनी वो तो नहीं है ना मगर शुरू से मैं खान के सा, साथ साथ था ना और ये खान के के बारे में मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरी शक्ल जो है ना खान साहब से मिलती है ना तो आपका ख़ुद दिल चाहता है कि मैं किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ूँ अगर खान साहेब ने मौका दिया है ना तो मैं बिल्कुल तैयार ख्वाहिश है आपकी सियासत में आने की ख्वाहिश खान की वो, वो अगर खान खान कहे कि सियासत में आ जाए ना और इलेक्शन आप करें ना तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा ना वरना तो मैं नहीं करूंगा। तो मुझे ये बताएं जब कभी आप घर जाते हैं या कहीं से गुजरते हैं और अगर आप काले रंग की वीगो देख लें तो डर तो लगता होगा कि ये कहीं मेरे पास तो नहीं आ रहे बहुत एक दफ़ा तो वो आया था ना ऊपर वो लगा हुआ था ना ये जो पुलिस वाले लगाते हैं ना तो वो काफ़ी दूर से उन्होंने मुझे देखा कि ये तो खान साहब घर के अंदर जा रहे हैं ना सामने बहुत बड़ी वो थी ना दस फुट ऊंची दीवार थी ना अब वो मुझे कमर का मसला भी था ना मैं एकदम मैंने गाड़ी उधर कड़ी करके फिर मैं उस तरफ भागना लगा ना फिर उधर मैंने कहा मैंने बोला यहाँ से तो शायद मैं चढ़ जाऊँ ना उधर नीचे बहुत बड़ी काज थी ना मैंने बोला कि ये जो कमर तो है ना ये तो खैर ये तो वैसी ऑलरेडी डैमेज है ना मैं कहीं घुसने और ये ना टूट जाए ना तो बस अल्लाह ताला ने कुछ विरध विरध किया ना अल्लाह ने बचाया ना फिर मुझे अल्लाह ने आपको बचाया तो मुझे ये बताएं कि वैसे आप सारा दिन क्या करते हैं या लोग आपको कॉल करके कहते हैं कि आइए जी हमारे साथ तस्वीरें लें या यूनिवर्सिटी कॉलेजों में या यूँ आगे पीछे आपको बुलाया जाता है बुलाते हैं लोग बुलाते हैं बहुत प्यार देते हैं ना बहुत ज्यादा प्यार देते हैं ना कुछ तो लोग इतने वो होते हैं ना कि लड़कियां भी काफी आपको प्यार देती होंगी और आपका भी दिल चाह रहा होगा कि मैं दूसरी तीसरी शादी कर ही नक्शे कदम पे चलना है ना नहीं नहीं उस सिलसिले में तो खैर मैं नहीं कर सकता नक्शे कदम तो कोई आपकी पिरनी शेरनी नहीं है पिरनी तो सारी मेरी पिरनियाँ है ना ये जो जितनी भी है ना ये सब मुझे पिरनियाँ लगती है ना ये जो सब अच्छी लगती है अच्छी लगती है ना तो तो ये है कि लोग प्यार देते हैं ना लोग पीछे भाग कर आते हैं ना यार आप खान साहब है मैं खान के कसम खाऊँ मैंने बोला कसम का के तो मैं खान हूँ खान तो हूँ ही मैं हाँ मैंने बोला कसम का कर कहता तो मैं खान हूँ फिर वो फिर वो आगे से बड़ी अजीब किस्म के तो रिश्त आपने वैसे शादियाँ कितनी की हैं और जहरी वै, सी बात है आपकी जब लीडर इमरान खान है उन्होंने दो तीन की हैं तो दिल तो अब आपका भी करता होगा करता है मगर ये अभी मैंने घर भी जाना है ना घर भी जाना तो मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एम एन ए हैं या जो उनके बड़े बड़े पॉलिटिशियन अभी मुल्क के अंदर मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकातें हो रही हैं क्या नया लाएम ला रहे हैं एक जबरदस्त किस्म की बात मैं आपको बता देता तो हूँ ना जो आज तक मैंने किसी टी वी वाले को नहीं बताया ना मैं जो मेरे जितना वो क्रेयर है ना जो पीटीआई में मुझे तीन किस्म के लोग रोजाना मिलते हैं पी टी आई में भी और पी टी आई के से बाहर भी कुछ लोग मुझे वाकई ताना खान साहब की वो काफी समझते हैं कुछ उसमें ऐसे हैं कि वो जेलियस हैं पीटीआई के ख़ास करके और कुछ लोग मुझे पंप करना चाहते हैं ना, तो मुझे रोज़ाना के लिहाज से मुझे कि वो कि मेरा वास्ता पड़ता है ना ऐसे लोगों से पीटीआई के जो ओरिजिनल लोग हैं ना जो नजरियाती लोग हैं ना वो तो अभी बहुत कम रह गए हैं ना तो काश अभी ख़ान साहब से कभी कभार मुझे ये गिला बहुत ज़्यादा लगता है ना कि खान साहब दुनिया देखी आपने वो बंदे की पहचान में वो थोड़ा सा वो कहा जाता है ना थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा शायद इस पर खान साहब नाराज़ हो जाएं या जो भी है ना कहा जाते हैं मार कहा जाता है ना बंदे उसमें वो नहीं है ना खुद वो दिल का साफ है और उसको जो मिले हैं ना अब ये जिस जिस तरह गए हैं ना किसी की भी मैं गिबत नहीं करूँगा ना वो लोग अच्छे नहीं थे ना जो छोड़ गए हैं ना वो अच्छे नहीं थे क्यों उन्होंने दूसरी पार्टी और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ जो बंदा जिस भी पार्टी में हो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए अदालत से भी और उनके अपने शुरू में भी कि जो बंदा एक पार्टी में है और उसको बाद में छोड़े या जिस तरह भी छोड़े उसको कम अज़ उस कम पंद्रह साल उस पर सियासत में उस पर पाबंदी लगनी चाहिए तो क्यों वो किसी भी पार्टी में न जाए ना या घर पे बैठ जाए या किसी भी पार्टी में न जाए ना इस तरह आपका ये जो सिस्टम है ना ये जो पॉलिटिकल वो जो नर्सरी ना ये मजबूत रहेगी ना मजबूत ठीक कह रहे हैं मजबूत रहेगी तो मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली आपका ताल्लुक पेशावर से मैं वजीरिस्तान से हूँ वो वजीस्तान में क्या पोजीशन है तरीक इसाफ़ की हर जगह तरीक इसाफ़ की पोजिशन दूसरी पार्टियों की नीज बहुत ज़बरदस्त हैं बेशक वो सारे इकट्ठे हो जाएँ बे शख्स में ये मैंने पहले ही कहा था ना कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दो फिर ये भले क्या कि कुछ नहीं रह, ठीक है तो आपको लगता क्या है कि हुकूमत की अगर बात की जाए तो इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया इनके ऊपर घड़ी चोरी का लगाया गया एक केस से निकलते हैं दूसरे केस में डाल दिया जाता है आपको जिन लोगों से आप मेल जोल करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आपके करीबी करीबी दोस्त हैं उनसे आपको क्या लगता है कि खान कब बाहर आएगा खान साहब की जो केसेस हैं ना पाकिस्तान में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है ना ये बात आप अपने पास लिख कर रख दें कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है ना खान साहब आज भी निकल आ सकते हैं ना कल भी और ये तो डिपेंड करता है ना कि हालात पर कि अब आगे मेरे ख्याल में इसे आगे कुछ नहीं कहना चाहिए ना इसे आगे कुछ नहीं कहना चाहिए तो मुझे ये बताएं कि आप अक्सर जगहों पर जाते हैं आपके साथ लोग तस्वीरें खींचाते हैं अक्सर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते होंगे मुझे ये बताएं कि ख़ान साहब की तीन ऐसी खूबसूरत आदतें बताएं जो पूरी कौम को नहीं पता जो आपको अच्छी लगती खान की तीन चीज़ें वैसे तो बहुत ज़्यादा है ना खान की जो उसमें आदतें हैं ना एक तो वो अभी जिसरा खान खुद कह रहा है ना कि अभी मुझ में ईमान आ गया है ना और बाकी उसमें ईमान आ गया है ना एक तो ये बात है ना दूसरी बात उसमें यह है ना कि वो जब कह दें कि के मैंने ये काम करना है तो फिर वो आखिर तक लगा रहता है वो कर जाता है ना तीसरी बात तो, उसमें वो उसमें ये है ना कि वो दुश्मन भी उसके सामने आ जाए ना फौरन वो उसको उसके सामने वो मोमबत्ती बन जाता है मोमबत्ती बन जाता है मुझे ये बताएं कि अगर पार्टी जिस तरह आपके जितने क़रीबी करीबी लोग थे उन सब ने कहा कि हम पाकिस्तान इंसाफ छोड़ते हैं नौ मई वाक्य की मजम्मत करते हैं तो आपने भी नौ मई के वाके की मजम्मत की मजम्मत तो बिल्कुल करनी चाहिए ना ये जो है ना ये ये नहीं है ना कि मैं उन लोगों से डरता हूँ ना ये एक हकीकत है ना हालाँकि आप वजीरस्तान आप जाए ना वजीरस्तान में हमारे जो गर् थे न पूरे हमारे ऐसे ऐसे गर् थे ना इन लोगों को तो ये मीठी के वो दीवारें नज़र आ रही है ना मगर वो जो मीठी की दीवार है ना वो यंग के आपकी ई सेवन से भी हैं हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर बेहतर है उन्होंने वजीस्तान में जिसने भी किया है ना पूरे के पूरे वजीरस्तान में आप यूं समझे ना कि कोई डेढ़ दो लाख के करीब घर जो है ना उसको वो ज़ीरो ग्राउंड कर दिया है ना उसके बावजूद भी अब आ, बात यह है ना कि अगर ये फौज नहीं है ना तो किसी की बका तो नहीं है ना किसी की बका नहीं है ना यह नहीं है कि मैं उन लोगों से डरता हूँ ना जिस तरह उसने कहा ना कि मैं इन लोगों से ज़्यादा डरता हूँ ना बनस्बत खुदा खुदा बखर देते हैं ना ये लोग नहीं बख्श देते मैं उस लेवल पर मैं नहीं जाता हूँ ना मगर फ़ौज जैसा भी है उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना कि वो जो है ना दुनिया को नहीं खुश करना चाहिए ना और ये दुनिया लगी अभी आप ये देखो नाचार ये जो पाकिस्तान है ना ये बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत मुल्क है ये पाकिस्तान की जगह अगर कोई दूसरा मुल्क होता है ना जो ये पिछले 40 बल्कि 70 साल से ये जो इनके ऊपर गुजरा है ना कोई दूसरा मुल्क हो बहुत ही एडवांस मुल्क हो, वो भी इन हालात का सामना कभी ना कर पाता ना मगर ये पाकिस्तान की अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है पाकिस्तान के ऊपर कि इन हालात के होते हुए भी अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है ना और मैं ये जो है ना पूरी कौम को हर हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को हर इदारे को चाहे सियासतदान जो भी पाकिस्तानी ना सबसे पहले पाकिस्तान उसके बाद फिर ये बाकी चीज़ें हैं ना मगर पाकिस्तान को आप फर्स्ट पे यार एट रखें और ये जो छोटी मोटी जो है ना रंजशें हमारी जो सियासतदानों में हैं हमारे इदारों के में है इनसे निकलना चाहिए न अभी हम मुझे यह लग रहा है कि हम सब ये अनपढ़ों वाले काम कर रहे हैं ना सब अनपढ़ों वाले काम कर रहे हैं अब खान साहब मैं आपको पाँच बोलूँगा आपके जेन में जो उनके लिए लाइन आएगी आपने उन्हें वो मशवरा देना है ठीक है सबसे पहले नवाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए तो मेरा मशवरा यह है ना कि अब उसने बहुत कुछ किया ना अब उसको घर जाके बैठना चाहिए ना मरियम नवाज मरियम नवाज़ में थोड़ी सी पोटेंशियल है वो अगर सही उसको इस्तेमाल करें ना ये बदले बदले ये वो फलाना इसे निकले और मुल्क के बारे में सोचे जरदारी जरदारी को भी नवाज शरीफ वाला मशवरा है जरदारी सब पे भारी उससे डर तो नहीं रहे नहीं भारी तो खैर नहीं है। उसको वो उस किस्म के लोग नहीं मिले ना कि वो आश आशिकवान उसका नाम डालो हसन जवान वो भी उस फिर उसके फिर दो साव जहांगीर तरीन जहांगीर तरीन अब उसमें फिर ये होगा ना कि पहले हम उसको जहांगीर तरीन जिंदाबाद 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 अब मेरा ज़मीर ये नहीं मानता ना अब उसको भी छोड़ी छोड़ी दे तो ठीक है यानी कि आपको जो इसकाम पार्टी है जहाँगीर तरीन साहब की अलीम खान साहब की उसका आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर उसका अगर खुद अपना होता ना तो शायद नज़र आता ना अब उसका यह फ्यूचर तो इसका अपना नहीं है ना इसका अपना नहीं है बहुत शुक्रिया खान साहब खान साहब जाते जाते कोई खूबसूरत सा तराना सुना दें क्योंकि पूरी कौम आपकी आवाज में तराना सुनना चाहती है वो वाला तराना सुनाएं जब आएगा इमरान जब आएगा इमरान सबकी सब जान बनेगा निया पाकिस्तान नहीं। बने पाकिस्तान, पाकिस्तान बनेगा पूरी कौम को सबने देख के बताएं कि अगले इलेक्शन में वो क्या करे पूरी कौम के को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोगों ने 8 फरवरी को बल्ले के ऊपर निशान लगाए बल्ले के अलावा और कोई चीज आप लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए ना सिर्फ बल्ला ही बल्ला वोट फॉर चेंज वोट फॉर बैट बल्ला बल्ला जी इस बल्ले के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ ये थे इमरान खान पाकिस्तान की शान पाकिस्तान की आन और पाकिस्तान के सबक वजीम पाकिस्तान इमरान खान लें जी ये था मेरा प्रोग्राम उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इनशाला मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अपने मेजबान तबसमांझा को दीजिए इजाजत अल्लाह नेगेबान